कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच दीपिका पादुकोण ने विराट कोहली को किया टारगेट। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के साए से बचने के लिए देश में तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। यहां तक कि मॉल, सिनेमा हॉल और फिल्मों की शूटिंग तक भी रोक दी गई है। हर कोई अपने स्तर पर कोरोना को फैलने से रोकने के उपाय कर रहा है। इसी बीच एक ट्रेस दीपिका पादुकोण ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शुरू किए गए सेफ हैंड चैलेंज में विराट कोहली को जोड़ा है। WHO की ओर से एक चैलेंज शुरू किया गया था जिसमें कई सेलेब्स को जोड़ा गया था और उन्हें ये चैलेंज पूरा करने के बाद दूसरे सेलेब्स को जोड़ने के लिए कहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरू किए गए चैलेंज का नाम है सेफ हैंड्स चैलेंज। इस चैलेंज में शख्स को पहले अपने हाथ धोने का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करना है और लोगों को हाथ धोने का सही तरीका बताना है। इस चैलेंज को पूरा करने के बाद फिर अन्य सेलेब्स को भी इसमें जोड़ना है, जिसके बाद दीपिका पादुकोण ने खुद चैलेंज खत्म करते हुए क्रिकेटर विराट कोहली, रोजर फेडरर, रोनाल्डो को ये चैलेंज दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपने हाथ धोने का एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ उन्होंने इसे आगे भी बढ़ाया है। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में WHO के डायरेक्टर जनरल को थैंक यू भी बोला है। वीडियो ट्वीट कर दीपिका पादुकोण ने लिखा, शुक्रिया डॉक्टर टेड्रोस से फ्रेंड चैलेंज के लिए नॉमिनेट करने के लिए, ये लोगों के COVID-19 से बचाने में जरूर कारगर साबित होगा। हम लोग इस फाइट में एक दूसरे के साथ हैं। आपको बता दें कि पहले WHO के डायरेक्टर जनरल ने प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को टैग कर ये चैलेंज दिया था और दीपिका ने यह पूरा कर दिया है।